नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज में। दोस्तों, लगभग 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारियों के लिए एक लेटेस्ट अपडेट है। और ग्रामीण डाक सेवकों के जो 3 प्रमुख यूनियंस हैं, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन, ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉय यूनियन और नेशनल यूनियन ऑफ ग्रामीण डाक सेवक, इन तीनों ने मिलकर 3 फेज में देशव्यापी हड़ताल करने की घोषणा यहाँ पर की है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये लेटर लिखा गया है द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को, तीनों ही जो GDS यूनियन है उनकी तरफ से 24 सितंबर 2018, यानी कि आज। उसका सब्जेक्ट यहाँ पर आप साफ देख पा रहे हैं कि ऑब्जर्वेंस ऑफ 3 फेज कंट्री वाइज एटिगेशनल प्रोग्राम बाई GDS JCA। तो इसमें जो ग्रामीण डाक सेवकों की ऐसी मांगें जिनको कि कमलेश चंद्र पे कमेटी रिपोर्ट ने सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने उन्हें लागू नहीं किया है, जिसकी वजह से जो ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारी हैं वो काफ़ी नाराज हैं और उनको बहुत सारी जो सुविधाएं हैं उनसे वंचित कर दिया गया है। तो इन्हीं सभी मांगों को मनवाने के लिए दोबारा से यहाँ पर फेस मैनर में कंट्री वाइज इन्होंने आंदोलन करने की घोषणा की है। तो कौन कौन से दिन ये घोषणा की जाएगी और क्या क्या मांगें रहेंगी, उन सब के बारे में हम वीडियो में चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो की जाएगी हड़ताल या आंदोलन किया जाएगा, स्ट्राइक ये भी रहेगा, हंगर स्ट्राइक रहेगी ये। तो ये 25 सितंबर 2018 यानी कि कल, तो ये सभी जो डिविजनल ऑफिस हैं उनके सामने एक दिन की भूख हड़ताल की जाएगी। उसके बाद में 4 अक्टूबर 2018 को ये सर्किल ऑफिस में एक दिन की भूख हंगर स्ट्राइक यानी भूख हड़ताल की जाएगी। उसके बाद में 10 अक्टूबर 2018 को दिल्ली में एक मास हंगर फास्ट किया जाएगा दिल्ली में जो डाक विभाग है उसके सामने। तो ये 3 दिन का इन्होंने प्रोग्राम बनाया है और इसी के अकॉर्डिंग जो इनकी मांगें हैं ग्रामीण डाक सेवकों की मांगें वो भी यहाँ पर इन्होंने दी हैं कि जो GDS पे कमेटी रिपोर्ट है उसको पूरी तरीके से 1 जनवरी 2016 से लागू किया जाए, क्योंकि सरकार ने इसको जुलाई 2018 से ही लागू किया, इसी वजह से जो GDS कर्मचारी उन्हें लगभग 2 से 2.5 साल का जो काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। तो इनकी जो मांग है कि GDS पे कमेटी रिपोर्ट को पूरी तरीके से 1 जनवरी 2016 से लागू किया जाए। उसके बाद में जो फॉर्मूला अडॉप्ट किया है एरियर कैलकुलेशन के लिए उसको चेंज किया जाए और उस फॉर्मूले को लागू किया जाए जिसको कि GDS पे कमेटी रिपोर्ट ने लागू किया था। उसके बाद में जो ग्रेचुटी की अपर लिमिट है उसको 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया जाए। फिर जो GIS है ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम उसको भी 5 लाख से बढ़ाकर यहाँ पर 5 लाख किया जाए और इसके लिए जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है उसको 500 रुपये हर महीने किया जाए। और उसके बाद में जो सोशल डिफेंस एक बेनिफिशियरी स्कीम है इसका SDBC, उसमें जो कंट्रीब्यूशन है उसको भी 10% किया जाए उनके TRCA का। उसके बाद में जो GDS कर्मचारी हैं उनको भी वो सारे सुविधाएँ दी जाए जो कि GDS कमेटी ने सिफारिश की, जिसमें से EPF की जो सुविधा है उसको भी GDS कर्मचारियों के लिए दिया जाए। तो फिर 180 दिन की जो छुट्टी है उसको भी उसका भी लाभ उन्हें दिया जाए। फिर बाद में जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 6,000 रुपये पर चाइल्ड हर साल के लिए उसे भी लागू किया जाए। और जो कंपोसाइट अलाउंस है ब्रांच पोस्ट मास्टर को उसको 500 रुपये से 1600 रुपये किया जाए। तो काफ़ी सारी यहाँ पर मांगें हैं, लगभग यहाँ पर 18 से 20 ऐसी मांगें हैं जिनको लेकर इन्होंने पूरा प्रोग्राम बनाया। तो 16 ये मांगे हैं जिनको लेकर यहाँ पर दोबारा से 3 दिन की देशव्यापी भूख हड़ताल घोषणा करने की घोषणा सभी जो GDS यूनियन है, तीनों ही GDS यूनियन उन्होंने मिलकर की है और ये लेटर लिखा है आज डाक सचिव को। तो दोस्तों, ये GDS कर्मचारियों के लिए लेटेस्ट अपडेट है कि तीनों ही GDS यूनियनों ने, जिसमें जो ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन है, NU GDS है और AIPU GDS है, इन तीनों ने मिलकर ये 3 दिन की देशव्यापी भूख हड़ताल घोषणा करने की घोषणा की है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जो खबर आपको दी गई है वो आपके फायदेमंद की रहेगी और आपको GDS पे कमेटी रिपोर्ट के बारे में लेटेस्ट अपडेट मालूम चला होगा। तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और ऐसी ही लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स को यदि आप सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। तो एक बार फिर से आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।